हेलो फ्रेंड, आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी में आपका वेलकम। तो आज हम जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा करना या बांटना, ठीक, या फिर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक, बांटना, ठीक। तो इसमें हम आउट पेशेंट, सबसे पहले हम आउट पेशेंट के बारे में देखते हैं, ठीक। द पेशेंट विच इज नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बट रिसीविंग जनरल आर ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन कॉल्ड आउट पेशेंट। आउट पेशेंट, आउट मीन्स बाहर, ठीक। पेशेंट मीन्स मरीज, बाहर के मरीज। ये वो मरीज होते हैं जो कि एडमिट नहीं होते हैं, ठीक, एडमिट नहीं होते हैं, ये हॉस्पिटल में रिसीव किए जाते हैं और जनरल ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ये जो है हॉस्पिटल में आते हैं और अपना जनरल ट्रीटमेंट कराते हैं और चले जाते हैं, ठीक। तो हम अब इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक। तो इसमें एक जनरल पेशेंट होते हैं, तो जनरल पेशेंट का डिफिनेशन देखते हैं। The out patient which are not receiving emergency or specific treatment are called general out patient. Example, diabetes patient और hypertension patient. तो ये बाहरी रोगी, ठीक, यानी general out, सामान्य बाहरी patient, ठीक, ये बाहरी रोगी होते हैं। तो ये बाहरी रोग का मतलब इसमें जो है हमें इनको जो है बाहरी रोगी बीमारी, बाहरी रोगी की मतलब बाहर रोगी बीमारी कहते हैं, जैसे बाहर की बीमारी, जैसे आर्गन की बीमारी ना हो, या फिर जो हम जो है जो जिसे हम देखकर यानी ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि इनकी इनको इमरजेंसी तो है नहीं कि बहुत पेन हो रहा है या फिर चेस्ट पेन है, ये सब नहीं है, ठीक। तो ये जो है बाहर जो है ये बाहरी रोगी के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है मधुमेह यानी डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं, ठीक, ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और दवा लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इमरजेंसी आउट पेशेंट की। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, आउट बाहर के पेशेंट होते हैं, ये भी बाहर के आपातकालीन पेशेंट होते हैं, जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक, या आग लग गई तो उसमें जले हुए पर्सन हुए, ये उस टाइप के पेशेंट होते हैं। ये उपचार, आपातकालीन उपचार या दुर्घटना या देखभाल निर्देश में देखभाल के लिए आते हैं। तो इसकी डिफिनेशन जो लिखनी है उसको देखते हैं। द आउट पेशेंट आर रिसीविंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट देन आर कॉल्ड इमरजेंसी आउट पेशेंट। तो जो इमरजेंसी में हम रिसीव करते हैं जिन पेशेंटों को, और उनको जो है हम इमरजेंसी पेशेंट बोलते हैं, ठीक। अब रिफर्ड पेशेंट, तो रिफर्ड वो होंगे जो कि ये आउट रोगी होंगे, ठीक, ये आउट रोगी होंगे, यदि ये रोग विशेष उपचार के लिए रिफर्ड रोगी कहा जाता है। इनको जो है विशेष उपचार के लिए, जैसे हम रखे हैं, ठीक, ये जो है आए डॉक्टर से कंसल्ट किए, डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ आपको जो है हम थोड़ी दवा दे रहे हैं और आप हमारी ये सुविधा हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, आपको किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, ठीक, ये रिफर किए हुए पेशेंट होते हैं, ठीक। मतलब ये जो है आएंगे डॉक्टर से सलाह लेंगे, ठीक, और ये जो जिसमें जो है बाहरी, जैसे नाक, कान, आँख, गला, ये सब पेशेंट होते हैं, ये जो है दवा लेंगे और चले जाएँ, क्योंकि उनको पेशेंट वो भर्ती करना ज़रूरी भी नहीं हुआ, तो ये रिफर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट, चार नंबर की, इसमें चार आते हैं, ठीक। तो ये जो है चलने वाले, मतलब ये जो है चलने वाले पेशेंट होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जो कि जैसे ये चलने वाले पेशेंट होते हैं, जैसे कि अब जब बाहर के मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य से, ठीक, उन्हें एम्बुलेटरी या पेट्री जैसे पिटते हैं, ठीक, तो उन्हें हम कहते हैं, ठीक, ये जो है एम्बुलेंसरी पेशेंट हुए। ये जो है हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं, एन एम्बुलेंटरी पेशेंट एबल टू वॉक, ये चलते हैं, एंड साइंस आउटपुट इन रिसीविंग प्राइमरी हेल्थ एंड केयर वॉक ऑफ,
इन द रॉन्ग कॉल्ड एम्बुलेंसरी पेशेंट, मेजोरिटी आउट पेशेंट इन एम्बुलेंसरी पेशेंट, जो मेजोरिटी का मतलब लिए और चले गए। जैसे कुछ जैसे महिला या थाने वाने के लोग को ले जाते हैं और जो है एम्बुलेंसरी मतलब जाएंगे उनको ले जाएंगे और दिखा के ले आएंगे, ठीक उस टाइप के ये पेशेंट हुए। ठीक, अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। तो इसमें क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक, तो दिस शुड बी सेपरेट इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट इन फार्मेसी। जो ये लोकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक लोकेशन, क्योंकि जो है ये एक आपको ये बहुत आता है डिस्ट्रिक्ट, ये जो है क्लासिफिकेशन आउट पेशेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी। तो इसमें सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, दिस शुड बी सेपरेट इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट इन फार्मेसी, मतलब हमारी फार्मेसी एक सेपरेट स्थान पे होनी चाहिए, सेपरेट स्थान पे अलग स्थान पे होनी चाहिए और इसमें आउट पेशेंट की फार्मेसी होनी चाहिए सेपरेट स्थान पर। और इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों के लिए, जो बाहरी रोगी हैं और अंदर रोगी और बाहरी रोगी, सर्विस आर कम्बाइंड सेपरेट विंडो, इनकी अलग अलग सेपरेट विंडो यानी विंडो हो, अलग अलग काउंटर हो इनका, अलग अलग विंडो हो, ठीक। और प्रोवाइडेड फॉर डिस्पेंसिंग, जो कि डिस्पेंसिंग में अलग अलग विंडो प्रोवाइड की जाए कि भैया ये आउट पेशेंट की है और ये इन पेशेंट की, हमने पहले वीडियो में बताई है। ठीक, अब बात करते हैं आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इज डन फ्रॉम दिस सेम फार्मेसी वेयर स्टॉक प्रिपरेशन आर मोड। आउट पेशेंट जो होते हैं, जो आउट पेशेंट की बात हुई है, आउट पेशेंट के लिए, बाहरी पेशेंट के लिए डिस्पेंसिंग इज ए डन, डिस्पेंसिंग जो डन की जाती है सम फार्मेसी में, कुछ फार्मेसी में स्टॉक प्रिपरेशन ऑफ मोड, स्टॉक प्रिपरेशन, स्टॉक मतलब स्टॉक जो रखा हुआ है, ठीक वो प्रिपरेशन की जाती थी। फार्मेसी रिसीव इट सप्लायर फॉर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी जो रिसीव करते हैं, ठीक एंड सप्लायर सप्लाई करते हैं मेडिकल स्टोर फॉर एट लास्ट ए वीक एंड एमरजेंसी सप्लायर ए एनी टाइम। लास्ट वीक में वो सब देते हैं लेकिन अगर एमरजेंसी हुई तो एनी टाइम में दे सकते हैं। ठीक, सम हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल आउट पेशेंट बाहरी रोगी को डिपार्टमेंट, बाहरी रोगी का जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी आर दी सेपरेट जियोग्राफिकली, ये सेपरेट जियोग्राफिकली उनको रखते हैं। ठीक, अब सच सिचुएशन इट ए नेसेसरी इट हैव ऑटोनॉमिक आउट पेशेंट इन फार्मेसी। ठीक, जो नेसेसरी है सिचुएशन के अनुसार से वो जो है ये फार्मेसी में होनी चाहिए। ठीक, कम्बाइंड सर्विस ऑफ द इन पेशेंट आउट पेशेंट आर बेटर कंट्रोल ऑफ चीप फार्मासिस्ट। आउट पेशेंट या इन पेशेंट को जो है जो उसमें चीप फार्मेसी में जो चीप फार्मासिस्ट है वो कंट्रोल करता है। ठीक, अब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड इन सच वे दैट ए केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इन द इन पेशेंट। आउट पेशेंट जो बाहर के पेशेंट है, ठीक बाहर के पेशेंट का जो डिपार्टमेंट है लोकेटेड जो रहना चाहिए लुक में, ये दी नॉट काज ए डिस्ट्रीब्यूट इन द इन पेशेंट, ये इन पेशेंट को उस पर दवा नहीं देनी चाहिए। ठीक, अब लेआउट की बात करते हैं, लेआउट की बात करते हैं, लेआउट हम देखते हैं। तो लेआउट ओपीडी क्रिएटेड एन इमेज ऑफ द हॉस्पिटल, लेआउट जो है एक प्रकार का इमेज क्रिएट करता है हॉस्पिटल के लिए, अच्छी इमेज क्रिएट करता है। ठीक, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इन हॉस्पिटल, ये जो है क्वालिटी एक प्रकार की क्वालिटी बनाता, अच्छी क्वालिटी बनाता है, शो करता है, एक क्वालिटी दिखाता है जो प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल को जो प्रोवाइड चाहिए मतलब जो सुविधा चाहिए। ठीक, और वेटिंग टाइम ऑफ आउट पेशेंट, आउट पेशेंट जो होते हैं उनको जो है हमें ऐसा लेआउट बनाना चाहिए कि वेटिंग टाइम, उनको जो वेटिंग टाइम कर रहे हैं तो वो अपना टाइम पास आउट कर सकें। ठीक, और रिड्यूस, ठीक उनका उनको अपना टाइम पास आउट करने में उनका कंफर्ट हो जाए, यानी कि फील ना हो कि हम जो है
उस तरीके का हमें एनवायरमेंटल क्रिएट करना चाहिए, उस तरीके का वातावरण अपने फार्मेसी में बनानी चाहिए। और देखते हैं बेटिंग रूम, उसमें एक बेटिंग रूम, अच्छा फर्स्ट क्लास बेटिंग रूम होना चाहिए जिसमें जो वो जाके हम वो बैठें, ठीक, वो पेशेंट या फिर उनके जो सहयोगी हैं जो मेडिसिन लेने गए हैं जाके बैठें, ठीक। बेटिंग रूम, रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल जो पढ़ने के लिए जो मटेरियल हो, जैसे न्यूज़पेपर हो या फिर डिजीज से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कुछ सामान वहाँ होने चाहिए जो कि पढ़ने के लिए हो या बुक्स हो, ऐसी मैगजीन हो, ये सब, ठीक। एजुकेटेड पोस्टर, एजुकेटेड पोस्टर लगे होने चाहिए, अच्छे अच्छे पोस्टर लगे होने चाहिए डिजीज से संबंधित या अदर मटेरियल से संबंधित, ये सब लगे होने चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं हैंग वॉल इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ओपीडी, जो पार्ट दीवार पर, चारों दीवार पर या इस अगल बगल जो पार्ट हैं वहाँ पे पोस्टर बैनर ये सब लगे होने चाहिए, ठीक। और ये ओवर कन्फार्मिंग मेन विंडोज मेन पावर शुड भी प्रोवाइडेड, मतलब ये है कि जो है कवरिंग मेन विंडो जो है ये ओवर कवरिंग होनी चाहिए, ठीक। इसमें जो है मेन विंडो जो है कवरिंग होनी चाहिए। अब जैसे हम कहीं पे रख दें, ठीक, जैसे अभी हम फार्मेसी खोल रहे हैं या फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो ये ट्रैफिक की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि गाड़ी मोटर जो है आसानी से खड़ी कर दे, ठीक। भीड़ भाड़ का वहाँ माहौल कम हो, जगह होनी चाहिए, ये सब चीज़ें लेआउट में हमें देखना है, ठीक, यही लिखना है, ठीक। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल, इन पेशेंट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हॉस्पिटल का उसको देखते हैं। इंडिविजुअल, ये छः प्रकार के मेनली होते हैं, ठीक। तो इसमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ये पहला है, ठीक, ये दिख रहा है, ये पहला है। और इंडिविजुअल के बाद हम बात करते हैं फ्लोर स्टॉक वार्ड स्टॉक सिस्टम, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। ये आप देखेंगे चार्ज फ्लोर स्टॉक और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, ठीक। तो ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरे में हम देखते हैं इसमें जो है ये कंबाइंड इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम इज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीन नंबर की बात करते हैं। और चार नंबर की बात करते हैं यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इसको हम UDDS, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। सेंट्रलाइज यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग सिस्टम CUDDS और डिसेंट्रलाइज यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग सिस्टम DCUDDS। और पांचवा नंबर है सेटेलाइट फार्मेसी और बेड फार्मेसी, ठीक। तो अब हम इन सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन पहले हेडिंग के बारे में हम देखते हैं, उसमें जो छह भाग थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें होता क्या है, स्मॉल हॉस्पिटल जो प्राइवेट स्मॉल हॉस्पिटल हैं ये जो है ऑर्डर यानी इंडिविजुअल मतलब निजी यानी स्वयं का जो ऑर्डर हो, स्वयं प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है इसमें, जो स्वयं का प्रिस्क्रिप्शन होता है और आदर्श ये नुस्खे जो होते हैं आदेश प्रणाली छोटे निजी अस्पतालों को प्रणाली के अनुसार से होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि स्मॉल एंड ये जो हॉस्पिटल जो छोटे हॉस्पिटल हैं इनमें जो है ये प्रणाली होती है, ये रोगी दवाओं के वितरण करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं अकॉर्डिंग दिस दी फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो रिसीव करते हैं, जो क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं, डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, ठीक। और ये कैलकुलेशन प्रिस्क्रिप्शन आल्सो द फार्मासिस्ट इन ड्रग डिस्पेंस इन लेबलिंग लेबलड इंडिविजुअल पेशेंट को ये लेबलिंग उबलिंग करके डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन नर्सिंग यूनिट मेडिकेशन क्या कहते हैं कैबिनेट अंडर कस्टडी ऑफ नर्स इन चार्ज नर्सों के चार्ज में होता है, ठीक। और ये नर्स एडवाइस करती हैं प्रॉपर स्टोरेज के लिए और लेबलिंग अकाउंटिंग जो अनवांटेड क्या कहते हैं ये जो होते हैं ये भी होते हैं। और इसमें डिस्पेंसिंग कॉमनली ड्रग पैकेजिंग करके ही दी जाती है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि इसका जो है एडवांटेज क्या है, ठीक। तो रिसीव प्रिस्क्रिप्शन प्रोबली इन द फार्मासिस्ट जो है रिसीव करता है, फार्मासिस्ट कैन बी काउंसल ऑफ पेशेंट, ठीक।
और ये जो है कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, इससे क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये क्विकली, ये जो है मेडिसिन नॉट क्विकली सप्लाइड, हम जल्दी से सप्लाई नहीं कर सकते हैं, और डेली इन ये जो है रिसीविंग मेडिसिन, ठीक, डिले इन रिसीविंग मेडिसिन, मेडिसिन डिले कर मतलब रिसीविंग के लिए डिले हो जाती है, ठीक, और सारे हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में इसके। ओके, थैंक्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।